देखिए आज जो हम यहाँ तमाम ज़िले के BDC चेयरपर्सन और DDC कौंसिल के जितने भी मेंबर जिसमें डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी आता है, हम आज LG साहब से यहाँ ऑनरेबल एडवाइज़र साहब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के उनके साथ मुलाकात हुई। उस मुलाकात में जो हमने बातचीत की, जो चर्चा हुई, उसके ऊपर हमने जो आज मेन फोकस दिया वो ये था कि जो लोगों के यहाँ के मुश्किलात हैं, ज़िला बिल्कुल उस पूरे ज़िले डोडा की जो मुश्किलात हैं उनके ऊपर बातचीत हुई। सबसे पहले हमने टूरिज़्म, जो यहाँ आपको पता है कि इस ज़िले के अंदर जितना टूरिज़्म का पोटेंशियल है शायद कश्मीर में भी नहीं है। जैसे यहाँ लाल द्रमन की एक जगह है, डल द्रमन है, यहाँ आपके यहाँ भद्रवाह में गुलडंडा है, बाहला में है, आपके ठाठरी में वहाँ एक जंतरून दहार आती है। ऐसे सारे मकाम पर बड़ी एक थ्रेडबेड डिस्कशन हुई है हमारे एडवाइज़र के साथ और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि हम इनके ऊपर काम करेंगे। उसके साथ साथ जो यहाँ मनरेगा की स्कीम चल रही है इसके ऊपर भी हमारी बात हुई। जैसे यहाँ 60-40 का रेशो जो पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है और हिंदुस्तान के पंजाब और दिल्ली को जो है यहाँ जम्मू कश्मीर से तोला जाता है, जैसे हमने वहाँ अंदर भी कहा ये चीज़ कि वहाँ एक सीमेंट का जो बैग मिलता है पंजाब के अंदर वो 350 का मिलता है और वही सीमेंट का बैग यहाँ हमारे गढ़तर पुंडियाला दूर दराज के जितने भी इलाके हैं पदरी वहाँ 650-650 में पहुँचता है। तो उसमें कहीं ना कहीं रेशो जो है मेंटेन नहीं हो पाता है और यहाँ के अच्छे तरीके की डेवलपमेंट के काम नहीं होते हैं। इसके साथ साथ हमने यहाँ के रोड्स की बात की, यहाँ के तमाम जो हेल्थ का फैसिलिटीज़ है, यहाँ एजुकेशन सेक्टर है, उसकी बात हुई, बड़ी ब्रीफ इनके साथ डिस्कशन हुई। देखें अभी तक हमें 1.5-2 साल हुए इस कार्यकाल में, तो अभी तक तो वादे ही किए गए, ये भी एक वादा है। आज भी बताया गया कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, उम्मीद रखते हैं, उम्मीद ही सबसे बड़ी बात है, हमें ये उम्मीद है, ये आशा है कि मुमकिन है हो जाए। मैंने आपको बताया कि सबसे जो हमने आज जो बेसिक जिस पे हमने दिया आपने, आप यहाँ के रोड्स के हालात की बात की जाए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये मैंने अंदर भी बात की कि हमारे ज़िले को पूरे हिंदुस्तान में शायद दिखाया गया था दूसरे या तीसरे नंबर पर जो है ब्लैक ट्रैफिक का है, जो यहाँ आप यहाँ की सड़कों का हाल देख के ये इंसान किसी भी हद तक जो है नहीं मान सकता है। हमारे साथ जो हमारे तमाम BDC साहिबान जितने भी है, BDC के चेयरपर्सन हैं और आपके DDC के मेंबर्स और डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, यह हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट का जो कौंसिल का एक कोरम है। और इसके साथ साथ हमने जो बात की वो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के ऊपर भी बात हुई, क्योंकि कुछ तहफ़ात हमारे BDC चेयरमैन साहिबान के थे जो यहाँ ज़िले के अंदर डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का प्लान बना था उसके ऊपर कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट्स को ने जो है बाईपास किया था, एक्सेप्ट रूरल डेवलपमेंट या एक्सेप्ट आपका जो क्या कहते हैं जी PDD, बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स ने जो है अपने नज़रिए से वो प्लान बनाया था। उसके ऊपर हमने DC साहब को लास्ट टाइम रिक्वेस्ट भी करा जब हाउस के अंदर एक बहस छिड़ी, बहुत लंबी बहस हुई, उसके बाद DC साहब के इंटरवेंशन के बाद कहीं ना कहीं हमारे कुछ काम रखे गए थे, लेकिन उस पर भी आज हमने वो तहफ़ अंदर बताया, एडवाइज़र साहब को ये चीज़ बताई कि अगर आपने डिस्ट्रिक्ट की कौंसिल बनाई है, अगर डिस्ट्रिक्ट का जो कौंसिल का कंसेप्ट है उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन है, वाइस चेयरपर्सन है, DDC के मेंबर्स है और BDC के चेयरपर्सन है और सिटिंग MLAs है, तो जिस तरीके से वो प्लान बनना चाहिए था वो उस तरीके से नहीं बना था, आज भी हमारा उसके ऊपर तहफ़ है और ये हमने अंदर भी ये चीज़ कही। शुक्रिया।